पटना क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली स्केल कौन कौन से हैं? प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल। कोट्स स्केल का प्रयोग कब होता है एंगल बनाने व डिग्री की माप करने में? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, काले रंग का कलर कोड क्या होता है? तो शून्य होता है। नीले रंग का कलर कोड क्या होता है? तो 6 होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सस्टेबिलिटी कहलाती है। किसी चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने वाला बल कहलाता है MMF। किसी चुंबक के कुल चुंबकीय बल रेखाओं के पुंज को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं किस कारण से? तो धातुओं में करते हैं। फॉरबिडन गैप की चौड़ाई अधिकतम होती है किस में? तो अचालक में। करतल टूल बनता है कार्बन टूल स्टील का और हीरे का। फेरो प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेपर प्रयोग होता है? दोस्तों फेरो प्रेसिएट पेपर का। सिलेंडर कवर किसका बनाया जाता है? तो ढलवा लोहा का। डायल संकेतक का प्रयोग किया जाता है रेखीय माप के लिए। प्लेन सरफेस माप के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर ऊंचाई मापी का। पंप कंपास का प्रयोग किस तरह के व्यास के वृत्त खींचने में किया जाता है? तो छोटे। लेथ सिर पर ऑन और स्लाइड ऑन के सभी हिस्से होते हैं बेड पर। लेथ के लिए मोटी पावर की सप्लाई का कार्य होता है हेड स्टॉक के द्वारा। उस बिंदु का नाम क्या होता है? नाम है जहाँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है सेंट्रॉइड कहते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जहाँ त्रिभुज की तीनों कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं इन सेंटर कहते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइंस द्वारा घिरे फिगर्स क्या कहलाते हैं रेक्टिलिनियर। पेपर पर किसी वस्तु का रिप्रेजेंटेशन उस वस्तु का क्या कहलाता है प्रोजेक्शन कहलाता है। ऐसा सॉलिड जिसका बेस सर्कल के अलावा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो और शीर्ष एस्पेक्ट पॉइंट पर मिले वह क्या कहलाता है तो पिरामिड कहलाता है। पिरामिड का स्पेशल रूप जिसका बेस सर्किल होता है कोन कहलाता है। मेटल का वह गुण जिससे वह काटी जाती है वह आसानी से मशीन्ड होती है मशीनेबिलिटी कहलाती है। मेटल के तार किस गुण के कारण खींचे जा सकते हैं डक्टिलिटी के कारण। कास्ट आयरन में सिलिकॉन का क्या कार्य है मुलायम बनाने में। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। धातु की विशेषताएं जिससे कि यह सभी रूपों से विभिन्न रूपों में बदल जाती है क्या कहलाती है तो प्लास्टिसिटी। धातु का वह मूल जो अधिक विरूपण से संबंधित हो सकता है इक्टिलिटी कहलाती है। मल्टीपल इकाई क्या है किलोग्राम बल। बॉल बियरिंग में घर्षण गुणांक होता है बहुत निम्न होता है। इंड थ्रस्ट में न्यूट्रलाइज क्या होता है हेरिंग बोन गियर्स होता है। जिस इंजन में एस्ट्रो के दौरान केवल हवा सोखी जाती है वह डीजल इंजन है। दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़।